आइए 11 नंबर से शुरू करते हैं। संविधान अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 2 वर्ष मतलब 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। देखिए इसको भी याद करना जरूरी है क्योंकि ये सवाल में आता है। 12 नंबर, 1947 में अगस्त में गठित प्रारूप समिति अर्थात ड्राफ्टिंग कमिटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। हम जानते हैं कि कब ये चालू हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को, याद है ना, शुरू हुआ था पहले। और 1947 में जाके, क्योंकि 13 दिसंबर को तो आपका ये हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने क्या दिया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया हुआ था। उसके बाद 1947 में ड्राफ्टिंग कमिटी बना जो कॉन्स्टिट्यूशन का मूल रूपरेखा जो ड्राफ्ट करेंगे, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यही कारण है कि भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर या पिता बोला जाता है। अब ध्यान देखेंगे कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा शुरू हुआ और उसका लास्ट सिटिंग या अंतिम बैठक था वो 24 नवंबर 1949 को हुआ और 26 नवंबर को संविधान सभा के 248 सदस्य द्वारा उस संविधान को पास कर दिया गया। तो ये 1949 में लागू हुआ 50 में, लेकिन 1949 के 26 नवंबर को ही संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पास हो गया था। चलिए इसको अब कीवर्ड से करते हैं। संविधान बनने में वर्ष में तो 2 वर्ष है और ये देखिए एक है तो एक डंडा और होगा, 11 महीना है और 18 दिन लगे। 1947 के अगस्त में गठित 1947 के अगस्त में गठित प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमिटी का अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसके लिए उनको भारतीय संविधान का पिता बोला जाता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुआ था वो 24 नवंबर 1949 को हुआ था और 26 नवंबर को संविधान सभा के 248 250 से दो कम सदस्य द्वारा इसे पारित कर दिया गया। एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि भैया संविधान तो आपको 26 नवंबर को ही बनकर तैयार हो गया था, तो फिर 26 जनवरी 1950 में ही क्यों लागू हुआ, 26 जनवरी का दिन ही चुना क्यों गया। बेसिकली देखिए तो 1930 में, याद रखें कौन सा साल, 1930 में कांग्रेस द्वारा इस दिन को जो है आजादी दिवस के रूप में मनाया गया, इसलिए 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में यह संविधान को लागू किया गया, जबकि ये नवंबर 1949 में बनके तैयार हो गया था। अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं, 16 नंबर पॉइंट। 1919 में ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने 1919 भारत सरकार अधिनियम में, या इंग्लिश में बोलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बनाया, जिसके तहत डायर्की और ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम या द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना किया गया, जिसके अनुसार ध्यान देंगे राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा स्थापित हुआ। इस तरह ब्रिटेन सरकार की केंद्रीय विधानसभा की पहली बैठक जो है 1920 में हुआ था, यह भी सवाल बहुत बार पूछा गया है। तो हम खाली इतना जान लें कि द्वैत शासन प्रणाली जो है वो किस एक्ट के तहत आया था, वो आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत में आया हुआ था। और उसके तहत में क्या है, राज्य परिषद जो स्टेट में बना, प्रोविंस हुआ करता था, प्रोविंस में बना था, और केंद्रीय विधानसभा का स्थापना हुआ था। और केंद्रीय विधानसभा की पहला जो मीटिंग था वो 1920 को हुआ था। आइए अब संक्षिप्त कीवर्ड से करते हैं। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 के में कांग्रेस ने इसे आजादी दिवस के रूप में मनाया था। इस तरह 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में संविधान लागू किया गया। फिर 16 नंबर में 1919 में ब्रिटेन ने 1919 भारत सरकार अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बनाया, जिसके तहत द्वैत शासन प्रणाली या डायर्की और ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम की स्थापना किया, जिसके अनुसार राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा स्थापित हुआ। इस तरह ब्रिटेन सरकार का केंद्रीय विधानसभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 1920 में हुआ था।
अब ये संविधान सभा के अंदर में जो प्रमुख समितियां बनी थी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो मेंबर्स थे उनको लेके ही तरह तरह के समिति बनाई गई थी। एक था संचालन समिति, वो उसके जिसका था स्टीयरिंग कमेटी, उसके राजेंद्र प्रसाद थे। तो आप हम जानते हैं कि ये परमानेंट चेयरमैन भी राजेंद्र प्रसाद थे और स्टीयरिंग कमेटी के जो हेड थे वो भी राजेंद्र प्रसाद थे। फिर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी अर्थात संघ संविधान समिति, इसके जो थे जवाहरलाल नेहरू थे, संघ संविधान समिति के थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, इसके थे वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल थे प्रांतीय संविधान समिति के। संघ राज्य शक्ति समिति, यूनियन पावर्स कमिटी, इसके भी जवाहरलाल नेहरू थे। और हम तो चर्चा कर ही चुके हैं, ड्राफ्टिंग कमिटी के थे भीमराव अंबेडकर। और झंडा समिति, फ्लैग कमिटी, जी ये फ्लैग कमिटी जो है जिसके ऊपर फ्लैग के ऊपर सारे रूल्स बने, ये इसके डिजाइन्स बने, वो सबके जो थे जेवी कृपालिनी थे। चलिए अब कीवर्ड से फटाफट इसको कर लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर में जो मेन कमिटीज थे उसमें स्टीयरिंग कमिटी के थे राजेंद्र प्रसाद थे, संघ संविधान समिति यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी इसके जवाहरलाल नेहरू थे, प्रांतीय संविधान समिति इसके थे वल्लभ भाई पटेल, फिर संघ राज्य शक्ति समिति मतलब यूनियन पावर्स कमिटी ये जवाहरलाल नेहरू थे, फिर है ड्राफ्टिंग कमिटी प्रारूप समिति इसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और झंडा समिति इसके जेवी कृपालिनी थे। अब कुछ बातों को और भी जेहन में डाल दें। मूल अधिकार उपसमिति अर्थात फंडल राइट्स सब कमिटी, इसके भी जेबी कृपालिनी थे, जैसे झंडा कमिटी के भी जेबी कृपालिनी थे, इसके भी थे। और आ गया भारतीय संविधान जो है 22 पार्ट्स में विभाजित है, 22 भाग में विभाजित है। अब देखिए बाइकार्मल पार्लियामेंट्री सिस्टम, या आप जो बोलते हैं संसदीय प्रणाली जिसमें लोकसभा राज्यसभा का जो सिस्टम है, ये सारा का सारा चीज जो है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। तो ये भी फटाफट हो गया। चलिए हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी का है जेबी कृपालिनी। भारतीय संविधान कितने भागों में बांटा हुआ है, तो 22 पार्ट्स में, 22 भाग में बटा हुआ है। भारतीय संविधान से कहां से हमने बाइकार्मल क्या कहते हैं संसदीय प्रणाली को कहां से लिया, मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने ब्रिटेन से लिया है। और फंडामेंटल राइट्स को कहां से लिया, हमने अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स को लिया है। अब आइए सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा और उसके पावर्स क्या होंगे, ये सारी बातें जो है अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। फेडरल सिस्टम, संघात्मक व्यवस्था। फेडरल सिस्टम क्या है, ऊपर में तो यूनियन है मतलब केंद्र है, लेकिन जो है हर राज्य में खुद की एक सरकार होती है, इसको फेडरल सिस्टम बोलते हैं। तो फेडरल सिस्टम और रेसिडुअरी पावर, अवशिष्ट शक्तियां क्या है, जिन शक्तियों के बारे में आपके संविधान में नहीं लिखा हुआ है लेकिन उनका अगर इस्तेमाल होता है तो उसका पावर केंद्र के पास होता है। जैसे आप समझ लीजिए सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स के बारे में संविधान में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये रेसिडुअरी पावर्स के तहत में ये क्या कहते हैं केंद्र को मिला हुआ है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ये सारे चीजों जो है कनाडा से लिया गया है। तो फेडरल सिस्टम, रेसिडुअरी पावर्स और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ये कनाडा से लिया हुआ है। फंडामेंटल ड्यूटीज, ये पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। जैसे सरकार को क्या करना चाहिए, एक तो ये जो है फंडामेंटल राइट्स मतलब एक नागरिक का जो राइट्स है वो जैसे अमेरिका से लिया गया है, उसी तरह एक नागरिक को राज्य के प्रति देश के प्रति क्या करना चाहिए, उसी को मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज बोला जाता है, वो सोवियत संघ से लिया गया है। संसद और विधानसभा की प्रक्रिया मतलब लॉ मेकिंग प्रोसीड्योर, रूल ऑफ लॉ, ये सारा कुछ जो है ब्रिटेन से लिया हुआ है। आइए अब फटाफट करते हैं फॉर्मेशन प्रोसीड्योर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स पावर्स, ये हम जानते हैं कि अमेरिका के से लिया गया है। फिर है फेडरल सिस्टम, रेसिडुअरी पावर्स,
अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, ये सारा का सारा कनाडा से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो सोवियत संघ से लिया गया है, और लॉ मेकिंग प्रोसीडियर्स, रूल्स ऑफ लॉ मतलब संसद और विधानसभा की प्रक्रिया, ये सारा का सारा ब्रिटेन से लिया गया है।